चीन विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर चीनी सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सशक्त कानून लागू किए थे, लेकिन समय के चलते देश में बुजुर्गों की आबादी सबसे ज्यादा होने लगी तो चीनी सरकार ने कहा अब आप एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। हालांकि चीन की कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक अच्छी स्कीम लेके आई है। इसके मुताबिक जो कर्मचारी तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे लगभग 11.5 लाख रुपए यानी कि 90,000 चीनी युआन का इनाम दिया जाएगा और इसके साथ साथ एक साल की छुट्टी भी दी जाएगी। तीसरा बच्चा होने पर महिला कर्मचारी को पूरे एक साल की छुट्टी दी जाएगी और पुरुष कर्मचारी को 9 महीने का अवकाश दिया जाएगा। लेकिन अगर काम कर रहे कर्मचारी को दूसरा बच्चा पैदा होता है तो कंपनी की तरफ से 60,000 युआन यानी 7 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन बच्चे पैदा करने की नीति इसलिए शुरू की गई क्योंकि चीन में अब सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी है। यह इसलिए है क्योंकि चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और इसी को रोकने के लिए 1980 में चीनी सरकार ने एक बच्चा नीति को लागू किया था। इस नीति के बाद से ही जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखी गई, लेकिन चीन में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी से कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी। हालांकि इसके बाद से ही इस नीति को सरकार ने 2016 में खत्म कर दिया था। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।